oh mm -hmm. वेलकम बैक जी ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और जैसे कि मैंने आगाज़ में बताया था कि इस सेगमेंट में हम हेल्थ एंड फिटनेस में खुश्क मेवाजात के हवाले से बात करेंगे दो मुआज़ मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं तारुफ करवाता चलूँ हाफिज़ उमर फारूक नाथ खान इनको वेलकम करेंगे हाफिज़ आप सफ़र कैसा रहा आपका अच्छा रहा सफर माशा चल ठीक है और इनके साथ एक और शख्सियत हकीम अब्दुल रहमान उस्मानी साहब माहिर बहन को भी वेलकम करेंगे इस्लाम हकीम साहब खैरियत सेन जी आप शुक्रिया आपका सफ़र कैसा रहा सर अल्लाह का बहुत शुक्र बेहतरीन माशा ठीक है जी डेफिनेटली हम बात करेंगे बहुत सी खुश मेवाजात के हवाले से जब हम खुशक मेवाजात की बात करते हैं तो सर्दियाँ जब आती हैं ये फील आनी शुरू हो जाती है कि अभी हमें खाना चाहिए इसके बारे में बहुत सी मिथ भी हैं और वो ठीक है या गलत वो भी हमने बात करनी है होता यह है मुमी तौर तो पे हम जेबें भर लेते हैं मुठियाँ भर लेते हैं और खाते पीते रहते हैं खुश खुशमेवत को लेकिन वो हमारे लिए फ़ायदा मंद होते हैं या नुकसानदेह होते हैं इसकी कितनी क्वान्टी लेनी चाहिए सब पे गुफ्तु हमने करनी है लेकिन अभी चलेंगे हाफि साहब की जानब और जानते हैं हाफि साहब से कि क्या सुना रहे हैं हाफि साहब आप हमें मैं हमदे बारी पेश माशा प्लीज़ सुनाइए कोई तो आए दरे इला पर वो दे रहा है भूला मुला कर कोई तो आए दरे इला पर दे रहा है बोला कर नबी झुकाए उसी के दर पर बुतों से तुमको हटा हटा कर नबी झुकाए सी के दर पर मुतों से तुमको हटा हटा कर और कफील है वो फील है वो हसीब है वो तुम्हारे सबसे करीब है वो उसी से मांगो ऐ बाशाह हो उसी से दाम बिछा बिछा कर उसी से मांगो ए बादशाहो हो तुम अपने दाम बिछा बिछा कर कोई तो आ दे रहा है बोला बोला कर झुकाए उसी के दर पर बुतों से तुमको खुदा से ऊत को बख्शवाया खुदा से ऊत को बख्शवाया नबीन आंसू बहा बहा कर खुदा से ऊ बशवाया नवीन आसो बहा बहाको इला पर बुतों से तुम को हटा हटा कर नबी झुकाए उसी के दर पर बुतों से तुम को हटा हटा कर माशाल्लाह सुबहान सुबहान्ल अल्लाह तक जजाक खैर ताफरमाय जजाकल्ला खैर और बड़ी फील के साथ आप पढ़ रहे थे महसूस हो रहा था कि आप इन लफ्ज़ों में उतर के पढ़ रहे हैं अल्लाह ताली आपको इज़्ज़तों से नवाजे हकीम साहब आपकी जानब बातें सर हम बात करते हैं जब खुश्क में वाजाद की तो इसकी मुनासिब मकदार जो है वो लेना ज़रूरी है आप बेहतर बता सकेंगे मैं चाहूँगा आगाज़ में बताइए कि इनकी अहमियत और ज़रूरत असल में होती क्या है एक इंसान के लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं वा कफा अल्मदिल्ल वकफ़फ़ा वसला नबी अम्मा बाद आबादा अम्माबाद शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह बसमिल्ल रहीम सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में दावत दी और मौसम की मुनासबत से और लोगों की एक बहुत बड़ी ज़रूरत की मुनासबत से एक अच्छा मौजूद उठाया आपने इस पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे लोगों को आगाही बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बहुत से काम अमूमी तौर पर रायज होते हैं रिवाज पा जाते हैं लेकिन उनके मतलब बहुत से पहलू ऐसे होते हैं जिनको लोग जानते नहीं हैं वो नुकसानदेह भी होते हैं और फ़ायदा मंद भी होते हैं ठीक है अब इसकी ज़रूरत अहमियत ड्राई फ्रूट की खुशक मेवा की खुशक मेवा एक तरफ़ गज़ा की जा है और इसके साथ दवा की दवा है यानी एक वक्त में दोनों चीज़ें दोनों चीज़ें अच्छा। यानी इससे आप आपाई फ़वाद भी बेहतरीन और मुकम्मल हासिल कर सकते हैं और इससे शिफ़ाई अज्जा बतौर दवा भी मुकम्मल हासिल कर सकते हैं और फिर ये मौसम सरमा का बेहतरीन तोहफ़ा भी है और मौसम सरमा की ये बेहतरीन जीनत भी है और फिर इसके बाद ये है कि मेहमान नवाजी के लिए भी बड़ा बेहतरीन ये किरदार अदा करता है इसका इस्तेमाल भी आसान है आप सफ़र में हैं हज़र में हैं घर में हैं दफ्तर में हैं कहीं भी हैं आसानी से इस्तेमाल कर सकती है अच्छा अब यह है कि हमारे जिस्म को इंसानी वजूद को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसमें तोानाई के बहुत से ज़रा की ज़रूरत होती है जिसमें कॉपर भी है मैग्नीशियम भी है पोटाशियम भी है कैल्शियम भी है आयरन भी है वगैरह वगैरह तो ड्राई फ्रूट एक ऐसी चीज़ है जो बेक वक्त इन सारी चीज़ों को हमारे जिसम की ज़रूरत के मुताबिक मुहैया करता है ठीक है ठीक है तो इसकी ज़रूरत और अहमियत इससे हमें समझ में आती है इसमें फैटी एसिड हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट हैं डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स हैं जैसे आप फरमा रहे हैं बिल्कुल अच्छा हमारे यहाँ पर ड्राई फ्रूट अच्छा हम बात तो करते ना खुश्क मेवा को खुश्क मेवा कहा क्यों जाता है ये क्या वजह है जबकि देखने में इनमें ऑयल भी निकलता है इनमें से और चीज़ें भी इसमें से आती हैं तो खुश्क मेवा क्यों कहा जाता है आप एक मिसाल के जरिए समझेंगे जैसे <coughs> अंगूर हैं, अंगूर के अंदर रस होता है जी पानी होता है ये इसको निचोड़ें तो इसका रस निकलेगा लेकिन जब इसी को खुश कर लिया जाता है सुखा लिया जाता है इसका पानी सूख जाता है तो यही अंगूर बन जाएगा सौगी किशमिश ठीक है तो उसका यानी फलों का रस खत्म करके जो शगल तैयार हुई है उसको ड्राई फ्रूट कहा गया जीण जीण है इसी तरह अंजीर ताज़ा जी उसके अंदर भी खुबानी है खुबानी के अंदर आलू बखारा है उसके अंदर भी जितनी भी चीज़ें हैं अब इनको जब खुश किया जाता है तो खुश करने के बाद इसको फिर ये तो, तो एक किस्म होगी लेकिन जो नट्स हैं चलगोज़ा है काजू है और अखरोट है इनको भी खुशक मेवा जात कर इनको असल चीज़ यह है कि चूंकि ये फल खुश हैं इनको खुश किया गया है तो ये सारी एक फैमिली है फलों की अच्छा। इसको एक जगह शामिल किया गया और एक ही फैमिली में शामिल करके एक ही दस्तरखान पे एक ही डिश पे सजा दिया ठीक है अच्छा सर ड्राई फ्रूट में कौन कौन सी चीज़ें ऐसे शामिल हैं जैसे कि पिस्ता बादाम और मूंगफली ये सब ड्राई फ्रूट में शुमार होते हैं ये भी पिस्ता बादाम ये चलगौज़ा अखरोट ये सारी चीज़ें तो ड्राई फ्रूट में शुमार की जाती हैं जी लेकिन मूँगपली को लोग समझते हैं ड्राई फ्रूट में ये ड्राई फ्रूट के ख़ानदान का हिस्सा नहीं है लेकिन मूंगफली ड्राई फ्रूट की डिशेस का हिस्सा है अच्छा इसी तरह रेवड़ी इसी तरह भुने हुए चने इसी तरह भुनी हुई मकई ये भी ड्राई फ्रूट की डिशेस का हिस्सा है लेकिन ये ड्राई फ्रूट में शामिल नहीं इसको किया बादाम हाँ जी बादाम ड्राई फ्रूट है बादाम चलगोजा, पिस्ता अखरोट काजू सौी मरक ये सब चीज़ें ड्राई फ्रूट में शुमार की जाती है ठीक है अच्छा ये बताइए कि हमारे बदन को ड्राई फ्रूट से बुनियादी तौर पर क्या चीज़ हासिल होती है जैसे हम डिफरेंट प्रोटीनस की बात करते हैं एंटी की बात करते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं हमारे ये बस? बड़ा अहम सवाल है जी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करने वालों को ये जानना चाहिए हमारे जिसम को बुनियादी तौर पर जिस ईंधन की ज़रूरत है वो है हरारत और रतूबत ठीक है लुब्रिकेशन और हीट ड्राई फ्रूट एक ऐसी ऐसे जरा ऐसी चीज़ है जो हमारे जिसम की हरारत और रतूबत की ज़रूरत को बेहतरीन पूरा करते हैं ठीक है हरारत और रतूबत से ही ज़िंदगी कायम है हरारत नहीं है तो मौत है रतूबत नहीं है तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता और ये फिर उसके बाद ये है कि ये जितने भी अभी आपने ये एंटी ऑक्सीडेंट्स का जिक्र किया यानी खलियात को तबाही से बचाने में इन गई अज़ा का गजाइत के इन अनासर का बड़ा अहम किरदार है।, है इसी तरह ये इसका कॉपर जिसम की बुनियादी ज़रूरत है इसी तरह मैगनीशियम पोटाशियम कैल्शियम आयरन कार्बोहाइड्रेट्स ये सब जिसम की अहम ज़रूरतें हैं और एक ही वक्त के अंदर हमें ड्राई फ्रूट से ये सारी हासिल होंगी और ड्राई फ्रूट के इस्तेमाल से हमारे जिस्म को तोानाई क़्वत ताकत कैलोरीज ये सब चीज़ें एक मुनासब मकदार में मिल जाती हैं ठीक है अब जितने भी ड्राई फ्रूट के हैं हर जुज़ के अंदर किसी में कैल्शियम ज़्यादा है किसी में पोटाशियम ज़्यादा है किसी में मैग्नीशियम ज़्यादा है कोई बर रास्त गुर्दों पर काम कर रही है कोई बर रास्त दिल को तकबीयत दे रही है बराह रास्त अब मिसाल के तौर पर अखरोट के मतलब आम मशहूर है कि अखरोट की शकल भी दिमाग की तरह है और ये बर रास्त दिमाग को ताकत देता है दिमाग को बहरहाल ताकत देता है शक्ल का इसमें कोई अमल दखल है कि नहीं ये एक अलग बात है लेकिन दिमाग के लिए बहरहाल मुफीद है ठीक है बादाम के लिए कहा जाता है कि इसकी शेप जो इसकी शक्ल है वो आँख से मिलती जुलती है तो लिहाजा ये बिनाई के लिए आँख के लिए मुफीद है ये बात किस हद तक ठीक है ये भी एक अलग मसला है लेकिन बादाम बिनाई के लिए बहरहाल मुफीद है बहरहाल मुफीद है ठीक है ठीक है इसी तरह से पिस्ते के बारे में आप बताने वाले थे शायद हाँ पिस्ता पिस्ता एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जिंक और सिलीनियम पाए जाते हैं इसमें कॉपर भी है इसमें ये कैल्शियम भी है पोटाशियम भी है और भी बहुत सी चीज़ें ये गुर्दों की सफाई भी करते हैं जिसम को ताकत तोानाई भी फ्राहम करते हैं कैलोरीज़ भी मुहैया करते हैं इनके अंदर कैरोटीन भी है और एक एसड भी पाया जाता है अच्छा जिंक और सिलीनियम की वजह से ये दो चीज़ें जो इसमें पाई जाती हैं ये इंसानी जिसम पर खसूस मर्दों के अंदर ये ऐसा इफ़ेक्ट करता है कि मर्दाना हारमोनस को बर रास्त टच करता है जिसकी वजह से मर्दाना कुत में इजाफ़ा होता है यानी अगर हम दूसरी जुबान में कि को डेवलप करता है जनरेट करता बिल्कुण। है मैं यही कहने वाला था जी जी प्लीज। अच्छा ये टेस्टोसर को जनरेट करता है इसको तहरीक देता है अच्छा फिर इसके बाद ये है कि मादा मन्विया में जो स्पर्म की कमी हो जाती है जिससे औलाद पैदा नहीं होती हमल नहीं ठहरता लोग बे औलादी के इलाज के लिए भागते फिरते हैं पिस्ते के अंदर मौजूद जिंक और सिलीनियम ये बेहतरीन इसका इलाज है स्वरम पैदा करने के लिए बड़ा अहम इसका रोल हेल्प आउट करता है बहुत बहुत अच्छा सर काजू के बारे में भी बताइए क्योंकि काजू भी इस मौसम में बहुत खाया जाता है इसकी अफादियत क्या है काजू दिमाग के लिए दिल के लिए एक मुफीद चीज़ है इसका मिजाज तर है रतुबत का मरकज़ है और जिसम को ताकत और तोनाई फ्राहम करता है दिल को तकवीत भी देता है दिल की हिफाजत भी करता है असाब को भी ताकत देता है असाब को मज़बूत भी करता है फिर उसके बाद जिन लोगों की कु्वत मुदाफ़त कमजोर हो जाती है उनको काजू का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए बॉडी में ठीक है, है ये कु्वत मुदाफ़त को भी बहाल करेगा और फिर इसका इस्तेमाल भी बड़ा आसान है और बड़ा ये लजीज सा लजीध है, है। और बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। तो इसको ड्राई फ्रूट में एक बड़ा अहम मुकाम है अच्छा सर जो सोने के भाव मिल रहा है आजकल आपको पता है इसकी क्या फादीत है चलगोजे के अंदर यह जितने भी हमने अभी ज़िक्र किए हैं कैल्शियम पोटाशियम मैग्नीशियम फास्फोरस ये सारी चीज़ें अगरचे चल तो में पाई जाती हैं लेकिन आजकल इनका हसूल जो है आम आदमी के लिए तो मुमकिन यानी गनमैन लेके जाएं जाए साथ जब इसको ख़रीदना हो ताकि वो आपसे चल लूटे आ, ना जाए बड़े बड़े इस पर लतीफ़े भी बन चुके हैं बिल्कुल ऐसे है दुकानदारों के भी और गाहकों के भी और वाक़ता और हकीकत भी ऐसी कई चीज़ें सामने आई हैं लेकिन बहरल चल दिमागी अफ़ाल को तहरीक देता है ठीक है दिमागी फ़ेल को तेज़ करता है चल गज़ा बर रास्त इंसान के सेक्शुअल सिस्टम को तहरीक देता है अगेन ये उसको हेल्प आउट करता है असल असल मुहर का ये तहरीक पैदा, पैदा करेगा ठीक है अच्छा सर ये जो खुबानी को जब हम ड्राई करके लेते हैं और इंजीर को जो ड्राई करके ले इन दोनों की क्या है ख़ुबानी और अंजीर आ, अंजीर रतूबत का एक बेहतरीन मरकज़ है कैंसर के लिए ब्लड प्रेशर के लिए शुगर के लिए गुर्दों के लिए दिल के लिए जितने भी ये अमराज हैं इनके लिए अंजीर बर रास्त जो है ये फायदेमंद है फ़ायदा मंद है अपना इस पर अफ़ेक्ट करती है गुर्दों के मरीज़ मिसाल के तौर पर दिल के मरीज हैं जी दिल के मरीज़ के लिए हम अंजीर का इस्तेमाल कई तरीक़ों से करवाते हैं उसमें एक तरीका ये भी है कि अंजीर को जैतून के तेल में भिगो के रख दिया जाता है रोगन ज़ैतून में अच्छा रात को रोगन ज़ैतून में भिगो दें या फिर मुस्तकिल रोगन ज़ैतून में मिसाल के तौर पर एक किलो रोगन ज़ैतून है और उसमें आप इतनी अंजीर डाल दें कि वो उसमें डूब जाए, गर्क हो जाए तो वो पड़ी गए रोज़ाना इसमें से दो अंजीर के दाने निकाल कर खा लें और ऊपर से नीम गर्म दूध पी लें और इसी में से बेशक एक चम्मच जैतून का तेल भी पी लें ये दिल के मरीजों के लिए दिल की बंद शर्यानों के लिए दिल के वाल्स के लिए बहुत आला चीज़ है कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अला चीज है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है अतः के बीपी को भी कंट्रोल करने यानी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करती है अच्छा सर ये आपने बहुत जबरदस्त एक कोई नुस्खा बता दिया है कि लोग अब चाहेंगे इसकी डिटेल भी पता चले आप इसको एम्टी स्टमिक अर्ली मॉर्निंग लें खाली पेट आप उठ के आप ये खाए और ऊपर नीम गरम दूध ले लें ये तरीका ठीक है ठीक है ठीक है आपने कहा कि रोगने जैतून एक तो ऑलिव ऑयल जो बाजार में बड़ी अच्छी पैकिंग में इंपोर्टेड लोकल दोनों तरह के मिल जाते हैं वो लिया जा सकता है या रोगन कुछ और चीज़ है नहीं रोगन असल में तेल को कहा जाता आयल को। है ऑयल को ठीक है इंग्लिश में ऑयल कहते हैं उर्दू में तेल कहते हैं पंजाबी में भी तेल और इसको आ, आम तिबी जुबान में उर्दू जबान में रोगन कहा जाता है यानी ऑलिव ऑयल में इसको डिप करके रख लें और आप इसको रूटीन में इस्तेमाल करें ऑलिव ऑयल में इसको डिप कर दें और इसका बेहतरीन फ़ायदा हासिल करें ठीक है अच्छा मैंने कहीं प्रैक्टिस ये भी देखी है कि इंजीर रात को पानी में किसी कटोरे में भिगो के रख दें और सुबह फिर उसको एम्प्टी स्टमक यूज़ करते हैं ये तरीका भी ठीक है इसका कोई फ़ायदा इसमें ऐसा है कि वो लोग जिनका मिजाज सफरावी है गर्म मिजाज लोग हैं गर्म खुश्क मिजाज है उनके मिजाज के अंदर तेजी है पहले से तहरीक मौजूद है अंजीर का मिजाज चूँकि गर्म तर है जी। तो इसकी हरारत इसकी गर्मी की तेज़ी गर्म मिजाज वालों को नुकसान का सबब बन सकती है या उनके अंदर कोई तेज़ी पैदा कर सकती है कोई भी ऐसी चीज़ तो उससे बचने के लिए इसको बाज़ अतिबा कराम कहते हैं कि रात को आप पानी में भिगो दें तो उससे इसकी हरारत की शिद्दत कदरे कम हो जाएगी और सो आप इसको इस्तेमाल कर लें अच्छा इसका एक और इस्तेमाल का तरीका भी अतिबा कराम बताते हैं और हम उसको अपने प्रैक्टिस में भी इस्तेमाल करते हैं कि अंजीर को अरग गुलाब में भिगो दिया जाता है अच्छा मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ जी अरके गुलाब अरके में गुलाब में रात को भिगो दें अच्छा और सुबह इसको खा लें और इसका फायदा क्या होता है कि अरके गुलाब के अंदर रतुबात को तहलील करने की जितनी तासीर है ये अंजीर अपने दर जजब कर लेती है जिसम के अंदर वर्मों को तहलील कर देती है फिर और बंद शरीनों को खोल देती है जहाँ पर ब्लॉकेज है उसको खोलने में ये साबित हो जाती है तो ये इसकी इसकी अफादियत समझने के मज़ीद वेरी गुड लेकिन सर एक तो मुश्किल हो जाएगी ना फिर अरके गुलाब ढूंढेगा कहाँ से खालिश बंदा अरके गुलाब आज कल तो अरके गुलाब बनाने के आ, इंटरनेट पर भी यूट्यूब पर बड़े तरीके मौजूद हैं आसानी से मिल जाता है तो अगर अरके गुलाब किसी को मयसर नहीं आता वो गुलाब की पत्तियाँ लेके ताज़ा देसी गुलाब हों ये आजकल जो फार्मी मयसर आते हैं वो नहीं हमारे एक साहब हैं उनके साथ इसी तरह एक दफा बात हुई वो चले गए, कब्रों के ऊपर से सारे गुलाब के ला ओ, तो कहते तो कर यार यार करना है। के बंदे तुम बाजार से खरीदो से खरीदो तो इस तरह के भी लोग हैं तो अरग गुलाब कोई ज्यादा मुश्किल नहीं जितनी भी हमारी कंपनी है तकरीबन सभी जो वो है वो अरग गुलाब बनाती है यानी मिल जाता है हमें जो पैकिंग में भी मिलता है वो ठीक है वो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं किसी मुस्तनद कंपनी का जी ठीक है ठीक है अच्छा सर एक चीज़ और बताइए कि जैसे ख़ुबानी का इसमें रह गया कि खुबानी को भी भिगो के इस्तेमाल करने से फादियत है या ड्राई भी खा खुबानी को ड्राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं भिगो के भी लेकिन ये है कि ख़ुबानी बात तुरश होती है जी जी जो तुरश खुबानी है ये गले में खराश पैदा करेगी तुरश ख़ुबानी कुत को तोड़ेगी अच्छा उल्टा नुकसान दे उल्टा तो इसको तुर्सी हमेशा इसमें कुत को तोड़ने का कमज़ोर करने का सबब बनती है तो इससे ज़रा ग्रेज़ करें मीठी हो जी और अच्छी किस्म की हो तो ये मुफीद है ये कैल्शियम का बेहतरीन ज़रिया सोर्स अच्छा से मार्केट में कुछ ऐसी भी ख़ुबानियाँ मिलती हैं जो देखने में बड़ी साफ़ सुथरी होती हैं ट्रांसपेरेंट होती हैं उनको केमिकल लगा के साफ किया गया केमिकल बहुत सारी चीज़ें ये ख़ुबानी भी अंजीर भी अंजीर देखेंगे आप बड़ी सफ़ेद किस्म की होगी जी बिल्कुल, बिल्कुल। और भी बात चीज़ें <laughs> एक तो ऐसा है कि बाकायदा इसकी एक ऐसी किस्म है कुदरती तौर पर कि वो वाइट बिल्कुल है। वाइट है जी। लेकिन वो यहाँ कम मैसर है यहाँ जो आम मिलती है उसको बाकायदा ये कीमियाई तरीके से केमिकल वगैरह के जरिए साफ़ किया जाए उल्टा नुकसान दे तो इन दोनों चीज़ों से ज़रा इजतनाव करना चाहिए अच्छा सर मैंने देखा है कि हम बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स को इकट्ठा करके उसका मिल्क शेक भी बना लेते हैं जैसे पाँच छः ड्राई फ्रूट्स डाले उनका मिल्क शेक बना लिया और फिर वो डेली रूटीन में यूज़ किया इसकी क्या फादियत है क्या ये ठीक है देखें दूध जो है ना ये बहुत सारी दवाओं में और बहुत सारी गज़ाओं में इस्तेमाल किया जाता है कभी तो उन ग़ाओं का जुज होता है जी। और कभी उनकी असलाह और तदबीर का सबब होता है ठीक है तो ड्राई फ्रूट के अंदर रतूबत और हरारत मौजूद होती है हरारत और रतूबत को मेंटेन करने के लिए इसके साथ दूध का इस्तेमाल बहुत मुफीद चीज़ है गर्म या ठंडा दूध हमेशा गर्म पी गर्म ठीक है ठंडा दूध सिर्फ वो पी सकता है जिसके मिजाज के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा हो सुफरावी मिजाज हो उसका ऑलरेडी तो वो ठंडा वरना दूध हमेशा नीम गर्म पीना चाहिए और दूध इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा रात से पहले पहले अक्सर लोग रात को सोते वक़्त या बिस्तर में जाके दूध पीते हैं और समझते हैं जी हमने दूध तो दूध एक पूरा जाइत से भरपूर एक चीज़ है इसमें पूरी ज़ाइत है हुँ. अब दूध जब रात को लेट पिया जाएगा या बिस्तर पे तो ये हजम नहीं होगा मैदा भी ख़राब होगा उल्टा नुकसान देगा उल्टा नुकसान देगा ये ओके हम खास मैदे के अंदर शगल पैदा करेगा ना बच्चों को कहते हैं कि ये पी के सो जाओ रात को ये, ये नहीं करना ये बिल्कुल गलत बहुत गलत अमल है और फिर गर्मियों में तो ये होता है कि ठंडा यख दूध थोड़ा रात को पीते वक्त अक्सर सोते वक्त अक्सर लोग पीते हैं ये भी इंतहाई नुकसानदेह अमल है दूध नाश्ते में बच्चों को दें और ज़रूर दें ठीक है अच्छा अब ड्राई फ्रूट के साथ दूध इसलिए इस्तेमाल किया जाता है <coughs> कि ड्राई फ्रूट के अगर कोई मुझे असरात हों तो वो दूध उनको कंट्रोल कर लेगा मिल्क शेक यानी बना सकते हैं हाँ नहीं है। इसको मिल्क शेक भी आप बना सकते हैं मिल्क शेक बनाने से इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा इसका जायका अच्छा हो जाएगा और यूँ कह लें कि ड्राई फ्रूट चबा के इस्तेमाल करने में जो दिक्कत है तो मिल्क शेक की सूरत में बसानी वो निगल लिया जाएगा खा लिया पी लिया ठीक है अच्छा अब देखें ना सर हम सारे महंगे नुस्खों की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका हमारे व्यवरशिप का या हम आम रूटीन में बात करें अपने मुल्क के लोगों का जो अफोर्ड नहीं कर सकते ये जिनकी जेब इतनी गुंजाइश नहीं देती इजाज़त नहीं देती वो कौन से ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर लें मसला सस्ता ड्राई फ्रूट मूँग हो सकता है या इनमें से कोई और चीज़ ले लें तो उफादियत वो भी हासिल कर सकते हैं आजकल महंगाई का जो दौर है सस्ते का तो तस्वर ही ख़त्म हो गया है और एक मतवस्त आदमी भी पिस रहा है गरीब तो बहुत दूर की बात है लोगों की आमदन के ज़राए वो नहीं रहे अक्सरियत के।, के वो आगे उसको वो खर्च कर सकें तो चल गोज़ा बाराल काफ़ी महंगा है जी और बादाम भी अब हर चीज़ तो महंगी हो गई अब किसका जिक्र करें हम कोई एक चीज नहीं बता सकते कोई, कोई एक अब सस्ती इनमें ऐसी कोई नहीं है कि जिसको हम कहते कह हैं कि आप आ, ये जो है, है, है इसमें से तो बाकी बाद ढाई हजार रुपए किलो के करीब जा रहे हैं यहाँ से जी यहाँ से तो स्टार्ट हो रहे जो पिस्ते का भी यही आलम है कि इससे भी ऊपर जा रहे हैं चलो गोजा तो आप जानते ही हैं कि छः सात हज़ार है वो अभी आठ हज़ार था। से ऊपर जा रहा है हाँ जी आठ नौ हज़ार से ऊपर जा रहा है और इस बाकी चीज़ें भी तो वो अब ये इतना सा है कि जो आठ नौ हज़ार की नस्बत दो ढाई हज़ार सस्ता है लेकिन दो ढाई हजार आम आदमी के लिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बच्चे होते हैं दिल करता है उनका तो उनके लिए भी वालदे चाहते हैं कुछ ना कुछ लेके जाए तो नस्बता कोई सस्ती चीज़ ले लें लेकिन वो इस्तेमाल करें डेफिनेटली अच्छा सर ये भी फरमाएगा कि जो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल है वो कैसे करें और किस वक्त करें होता ही है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ जेब से निकाल रहा हूँ और मैं खा रहा हूँ या रात को अगर टीवी देख रहे हैं तो हम खाते हुए वो देखते जा रहे हैं और पता नहीं कितना खा गए तो ये भी बताइए ड्राई फ्रूट के लिए वक्त की कोई ख़ास पाबंदी नहीं है ठीक है जब चाहें आप खा सकते हैं लेकिन ये याद रहे कि गर्मी के मौसम में खाने से जिसम के अंदर हरारत बढ़ जाएगी और ये एसिडिटी पैदा भी हो सकती है तदाबीयत पैदा हो सकती है और गर्मी से मुतलका इसको सर्दी के मौसम में इस्तेमाल इसका बेहतर है जिसम इसको सही तरह जजब भी करता है और आप सफ़र में हैं हज़र में हैं गाड़ी में हैं घर में हैं दफ्तर में हैं आप इसको इस्तेमाल कर, कर सकते हैं।, हैं कोई अर्द नहीं तो ये है कि हाँ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ड्राई फ्रूट को अमूमन लोग शापर में डाल के रख देते हाँ जी कोई कोई हफ़्ते कई के महीने पड़ा रहता है अमूमा लोग इसको प्लास्टिक के आज तक तो चलते प्लास्टिक के डिब्बे हैं तो ये प्लास्टिक के डिब्बों में या शापर में नहीं रखना चाहिए इसको शीशे के जार में रखें ये बेहतरीन महफूज होगा अच्छा इसकी अफादियत पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट को नहीं होगा और फिर यह है कि इसकी मकदार खुराक आपने पूछा कितनी हो तो जो बंदा खा रहा है उसके हाथ की एक मुठ्ठी सर ये तो बड़ा कम है फिर ये मकदार खुराक है हाँ। जो जिसम को चाहिए हाँ। खाने के तो अब आपके सामने ढेर है सारा खाते खा ले आप, हाँ। तो अब यह है कि एक मुट्ठी वो भी पूरी भरी हुई नहीं मैं इसको कहता हूँ नीम मुठ्ठी यानी आधी से ज्यादा और तकरीबन पौनी के करीब नीम मुट्ठी इतनी होती है तो ये इतनी मिकदार एक वक्त में खाना चाहिए अच्छा यानी कि आप कह रहे हैं कि तकरीबन ये मुट्ठी बस हाँ एक वक्त में। और हम लोग अक्सर क्या करते हैं बस ये मुट्ठी और ये नहीं ये, ये मुट्ठी चार बन जाए इसमें एक वक्त में अच्छा एक वक्त में, एक वक्त में। और सुबह शाम भी ले सकते हैं दो वक्त में अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ खजूर है जी ये भी ड्राई फ्रूट का हिस्सा है खजूर ताकत का खजाना है हरारत का खजाना है कुत का खजाना है ये लुब्रिकेशन का खजाना है ये बेशुमारमराज में बहुत खजूर जो है ये दमे के मरीजों के लिए सांस के मरीजों के लिए बलगम के नज़ले ज़ुकाम के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा इलाज भी है दवा भी है ज़ा भी है ये पट्ठों की कमज़ोरी के लिए बहुत आला चीज़ है अब एक वक्त में एक आदमी दो रोटियाँ खाकर दो रोटियाँ खाकर जितनी जिसम को गज़ाइत देता है यानी एक वक्त में एक खाने की जाइत जितनी जिसम को चाहिए आप दो से तीन खजूरों से वो जाइत हासिल कर लेंगे इतनी इसके अंदर प्रोटीन कैलोरीज और इसके अंदर जाई अजा मौजूद हैं लेकिन इससे भूख नहीं मिटेगी जिसम की गजाई ज़रूरत पूरी हो जाएगी भूख नहीं मिटेगी भूख मिटाने के लिए फिर खाना वगैरह जो भी है अब एक सिर्फ दो तीन दाने इसकी जिसम की गजाई जरूरत को पूरा कर रहे हैं अगर आप इसको आधा किलो खा जाएंगे तो लाजमी आदा नुकसान तो होगा। नुकसान होगा बिल्कुल किसी भी चीज़ को एतदाल में रह के इस्तेमाल करना चाहिए एतदाल से बढ़कर जब भी इस्तेमाल करेंगे उसका नुकसान होगा इवन कि हम रोटी रोजाना एग्जैक्टली हम आप फूड कोई भी हो आप गंदम है चावल है चना है कोई भी चीज़ जरूरत से ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान होगा अच्छा सर एक तो खजूर है और एक खुश्क खजूर है इन दोनों की तासीर और अफादियत में जी खुश खजूर जिसको छुहारा कहा जाता है तो खुरमा भी तिब्बी ज़ुबान में अरबी में कहते हैं इसको फारसी में तो उसमें में यह है कि हरारत और रतूबत ज़्यादा होती है और जो खुश्क होता है छुआारा इसके अंदर रतूबत कम होती है हमारे बड़े बूढ़े बनाते होते हैं जिसमे खजूर दूध और उसमें इलायची डाल के उसको पकाना और फिर वो इस्तेमाल करना उसकी जबरदस्त चीज आपने बता दी वो लोग जो समझते हैं कि हम थक जाते हैं थोड़ा सा काम किया थक गए जहन थक गया पट्ठे थक गए टांगों में दर्द है कमर में दर्द है बच्चे कमज़ोर हैं सबक याद नहीं होता और बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं यानी नज़र आ रहा है कि इनके अंदर कमज़ोरी है ये जो आप टॉनिक बता रहे हैं इनके लिए बेहतरीन दवा भी है और बेहतरीन ज़ा भी है अच्छा बहुत अली चीज़ है ये इसको रूटीन में ग़ा में शामिल कर रहा है असल में चीज़ क्या है कि ड्राई फ्रूट जितने भी हैं इनके अंदर ये जितने भी हमने अभी जिक्र किया कैल्शियम पोटाशियम मैगनीशियम वगैरह ये तो जो हैं सो हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो गजाई जुज इसके अंदर मौजूद है वो है फाइबर का जी और फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो जिसम को मुदाफत भी देती है जो हजम के अमल में भी मुआवन है, स्टमक के लिए बेहतरीन स्टमक के लिए है। बेहतरीन ये निज़ाम हजम से गुजर कर ये मैदे को अंतड़ियों को बायदा और गुर्दों को ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में निदाम अजम से ये अगरचे हज़म जल्दी नहीं होती है दीगर गजाई अज़ा की नस्बत ये देर अज़म है लेकिन इसके बावजूद ये फ़ाइबर रेशादार गएँ ये निदाम अज़म से गुज़र कर ब्राह रास्त ब्लड शुगर को कंट्रोल करती हैं ठीक है, है बरह रास्त बी पी को कंट्रोल करती हैं और जिसम को ताकत खुवत पहुँचाती हैं और फाइबर सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट के अंदर मौजूद है वेरी गुड और आपकी इंटेस्टाइन को वॉश करने में साफ करने में बड़ा हेल्प करती है ये। सिर्फ इंटेस्टाइन को नहीं बल्कि किडनीज किडनीज को को भी को भी ओके okay. सर चूंकि प्रोग्राम का मुझे वक्त खत्म होता नजर आ गया मैं चाहता हूँ जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लू आपसे कुछ लोग कहते हैं कि 20 ग्राम से ज्यादा डेली आप ड्राई फ्रूट ना लें तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है जी 20 ग्राम और 30 ग्राम जी इसके दरम्यान बीस से तीस ग्राम मिकदार बताई गई है तो आ, मैं ये समझता हूँ कि आज हमारी जो खुराक का लेवल है जिस तरह ये हमारी फोर श्रीट भरी हुई हैं लोग सुबह शाम दोपहर खाते हैं मैदे को राम ही नहीं करने देते तो अगर ये थोड़ी मेदार में सही लेकिन डेली में लेना शुरू कर दें तो यकीनन इनके जिस्म

बुलाने का इन्वाइट करने का करने बहुत शुक्रिया है। प्लेयर हैविंग यू हम आपको दोबारा इनशाला और इनके साथ मौजूद रहे हकीम रहमान साहब हकीम साहब आपके भी आने का बहुत शुक्रिया जी आपने वक्त निकाला बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच शुक्रिया बहुत ले जी प्रोग्राम ख़त्म हो गया लेकिन बात यह है कि खाएँ थोड़ा खाएँ लेकिन हेल्दी खाएँ खुश में के हवाले से हमने जो बात की कि क्वान्टिटी इतनी नहीं होनी चाहिए के खा के खुद ही बंदा तंग होता रहे इसकी अफादियत के हवाले से हमने बताया ये क्लिप्स हम निकालेंगे सोशल मीडिया की साइट्स पर हम डालेंगे गौर से देखिएगा इसमें बहुत सी समझने की चीज़ें हैं इसके साथ ही नवीद निज़ामी और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए कल फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफि